बिल्कुल बिल्कुल किसी लाइन की लाइन ठीक है, अपन स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर। चैप्टर का नाम है साक्षी पहुंची चांद पर। क्या है चैप्टर का नाम? क्या है? साक्षी पहुंची चांद पर। साक्षी को कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता था। ठीक है, अब किसी की क्या हॉबीज होती है, किसी की क्या हॉबीज होती है। किसी को खेलना अच्छा लगता है तो किसी को बातें करना अच्छा लगता है तो किसी को कुछ और अच्छा लगता है। ऐसे साक्षी को कहानी सुनना बहुत अच्छा लगता था। वह सोने से पहले रोज एक कहानी सुनती थी। क्या करती थी वो? सोने से पहले रोज एक कहानी सुनती थी। एक दिन वह खिड़की से चांद को निहार रही थी। ठीक है, आप आपके हाथ में पेंसिल लीजिए सबसे पहली बात तो। अब ये निहार पर टिक लगाइए। निहार लिखा हुआ है ना, निहार पर टिक लगाइए। अब निहार यानी क्या होता है? देखना। क्या होता है? देखना। तो एक दिन वह खिड़की से चांद को देख रही थी, निहार रही थी। चांद को देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई। प्रसन्न को टिक लगाइए। प्रसन्न यानी क्या होता है? खुश। क्या होता है प्रसन्न यानी? खुश होना। वह चांद को देखकर वह बहुत प्रसन्न हुई। तभी वहां उसकी कौन आ गई? मम्मी आ गई, माँ आ गई और बोली, साक्षी बेटा अब बहुत देर हो चुकी है। क्या बोली? साक्षी बेटा अब बहुत देर हो गई है, चलो सो जाओ। अपनी मम्मी भी तो अपने अपन लेट होते तो अपने बोलती ना कि आप सो जाओ, बहुत देर हो गई है ना। साक्षी बेटा बहुत देर हो गई है, चलो सो जाओ। तब साक्षी बोली, नहीं माँ अभी थोड़ी देर में सो जाऊंगी। क्या बोली साक्षी? नहीं माँ अभी थोड़ी देर में सो जाऊंगी। देखो ना कितना सुंदर है चांद, बिल्कुल गोल और चमकीला। वो माँ को बताती है साक्षी कि देखो माँ कितना सुंदर है चांद, कितना गोल है और कितना चमकदार है, कितना चमकता है। तब माँ बोली, हाँ बेटी आज पूर्णमासी है। आपको पता है अमावास पूर्णिमा वगैरह आती है ना, तो अमावास को तो चांद बहुत दिखता ही नहीं है सब कुछ, है ना। पर पूर्णमासी को पूरा चंद्रमा गोल और चमकीला दिखाई देता है, इसलिए तुम्हें चांद गोल और रुपल्ला दिखाई दे रहा है। रुपल्ला यानी रुपये के समान गोल दिखाई दे रहा है। साक्षी ने कहा, हाँ माँ आज हमारी कक्षा में भी अध्यापिका ने चांद के बारे में पढ़ाया। अध्यापिका को टिक लगाइए। अध्यापिका यानी क्या होता है? टीचर, जो आपको एक कक्षा में एक क्लास में पढ़ाते हैं, है ना। मुझे बहुत मजा आया। क्या हुआ? साक्षी ने क्या कहा? मुझे बहुत मजा आया, मैं भी चांद पर जाना चाहती हूँ, है ना। मैं भी चांद पर जाना चाहती हूँ। माँ बोली, बेटा हाँ हाँ बेटी, यदि तुम मन लगाकर पढ़ाई करोगे करोगी तो अवश्य अपने इरादे में सफल हो जाओगी। मतलब आपका जो लक्ष्य है, आपने जो सोचा है कि मुझे बड़े होकर डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है, तो उसके लिए पढ़ाई तो आपको अभी से करना पड़ेगी ना, क्यों नहीं करना पड़ेगी बताइए? करना पड़ेगी। जो अपन ने सोचा है वो इच्छा पूरी करने के लिए पढ़ाई तो करना पड़ेगी। इसीलिए साक्षी की क्या इच्छा है? चांद पर जाने की। तब उसकी मम्मी बोलती कि हाँ तुम जाओगी, पर उसके लिए तुम्हें मन लगाकर पढ़ाई करना पड़ेगा, तो तुम अवश्य जाओगी। सच मां? साक्षी ने उत्साह से पूछा। उत्साह यानी खुशी। मतलब साक्षी ने पूछा, उत्साह से पूछा कि सच में जाओगी? तो साक्षी की माँ बोलती, हाँ हाँ क्यों नहीं। जो बच्चे मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हो और जिन्होंने अपना लक्ष्य बना रखा है उसके लिए पढ़ाई करते हो, उसके अकॉर्डिंग तो वो उस लक्ष्य तक जरूर पहुंचते हैं। जैसे आपने अगर सोचा है कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर के लिए आपको पढ़ाई तो करना पड़ेगी ना। बिना मेहनत के कभी कोई कुछ इंसान बन सकता है क्या? नहीं बन सकता है। माँ ने उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहा। साक्षी खुशी खुशी माँ की गोद में सिर रखकर लेट गई। उसको खुशी हो रही थी इसलिए वो खुशी खुशी सिर रखकर लेट गई। उसने बहुत देर तक माँ से चांद और सितारों की कहानी सुनी। किसने सुनी? साक्षी ने सुनी, है ना। पेज पलटा लिया ना आपने? ठीक। साक्षी खुशी खुशी माँ की गोद में सिर रखकर लेट गई। उसने बहुत देर तक माँ से
चांद और सितारों की कहानी सुनी। कहानी सुनते सुनते उसे क्या हुआ, नींद आ गई। अपने को भी कभी कभी अपन पिक्चर देखते हैं, कुछ नाटक देखते तो अपने को नींद आ जाती है कि नहीं आ जाती, देखते देखते, या कभी कभी पढ़ाई करते करते भी नींद आ जाती है। तो कहानी सुनते सुनते उसे नींद आ गई और वह सपनों की दुनिया में खो गई। कौन खो गई? साक्षी खो गई सपनों की दुनिया में। उसके सामने रंगों के दायरे बनने लगे, खूब सारे रंग, लाल, पीले, नीले। तभी उसकी बाहों से उससे कोई आकर चीज टकराई। उसको सपने में उसको क्या हुआ, लाल पीले रंग दिखाई देने लगे। ठीक है, साक्षी ने देखा कि वह विशेष प्रकार की पोशाक थी। उस पोशाक पहनी थी, पोशाक यानी क्या होता है, कपड़े। जब अपन कपड़े पहनते हैं ना, उनको क्या बोलते हैं, पोशाक कहते हैं। लगाओ ठीक लगाओ पोशाक को। पोशाक यानी क्या होता है, कपड़े, है ना। पास में ही एक चंद्रयान खड़ा था। पास में एक चंद्रयान यानी चंद्रमा पर जो जाता है ना, उसे क्या कहते हैं, चंद्रयान, है ना। जो अंतरिक्ष में जाता है उसे क्या कहते हैं, अंतरिक्ष यान। उसी प्रकार जो चंद्रमा पर जाता है उसे क्या कहते हैं, चंद्रयान। पास में ही चंद्रयान खड़ा था, उसे साक्षी ने देखा है ये सब चीज सपने में हो रही है। कहाँ हो रही है, सपने में हो रही है। कि उसने एक पोशाक पहनी देखी अपने आप को, पास में एक चंद्रयान खड़ा था, उसमें से एक सीढ़ी बाहर निकली, तो साक्षी ने सीढ़ी से उसमें प्रवेश किया। उस चंद्रयान में सीढ़ी से साक्षी ने क्या करा, प्रवेश करा। प्रवेश यानी क्या होता है, अंदर जाना। प्रवेश को टिक लगाइए। प्रवेश यानी क्या होता है, अंदर जाना। तभी यान में जोर से आवाज हुई। अब देखिए, कोई भी अपन गाड़ी चालू करते हैं, मोटर बाइक वगैरह, तो घूम घूम की आवाज आती है कि नहीं। इसमें क्या है, घर घर की आवाज आई। कैसी आवाज आई, घर घर। और यान चांद की ओर उड़ने लगा। और क्या करा, यान क्या हुआ, चांद की ओर उड़ने लगा। रास्ते में उसने देखा कि चांद बड़ी शान से चमक रहा था। रास्ते में क्या देखा उसने, रास्ते में उसने देखा कि चांद बड़ी शान से चमक रहा था। वह अपनी दूधिया चांदनी से धरती पर प्रकाश कर रहा था। आपको पता है चांद की चांदनी कितनी अच्छी लगती है रात को, है ना। तो वह अपनी दूधिया चांदनी से धरती पर प्रकाश कर रहा था। साक्षी को चंद्रमा के ठंडे ठंडे प्रकाश में नीले रंग की धरती बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही थी। ठीक है, टर्न द पेज, पेज पलटाइए बेटा। देखा सामने वाला पेज, ठीक है। कुछ ही देर में चंद्रयान चंद्रमा पर पहुंच गया। यान के रुकते ही सीढ़ी बाहर निकली। साक्षी सीढ़ी से उतरकर चंद्रमा की सतह पर पहुंच गई। जैसे ही साक्षी ने चंद्रमा की धरती पर कदम रखा तो वह हैरान रह गई। उसने देखा कि वहां तो बिल्कुल अंधेरा है। साक्षी ने देखा कि चंद्रमा पर तो बिल्कुल अंधेरा है ना। अध्यापिका, उसके विज्ञान की अध्यापिका ने बताया कि चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है। उसे याद आया, जैसे उसने चांद की धरती पर कदम रखा तो उसको अंधेरा दिखाई दिया। तभी उसे याद आया कि उसके विज्ञान की अध्यापिका ने बताया, विज्ञान यानी क्या होता है, साइंस, क्या होता है, साइंस। और अध्यापिका यानी क्या होता है, टीचर, जो आपको अक्षर पढ़ाती है ना। विज्ञान की अध्यापिका ने बताया कि चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता है, नहीं होता है ना कोई प्रकाश, वह दूसरे के प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश से ही चमकता है। फिर वह थोड़ा आगे चली तो वहां उसे खूब सारे गड्ढे दिखाई दिए। फिर वो जो वहां से उतरी और थोड़ा आगे चली तो उसको वहां से खूब सारे गड्ढे दिखाई दिए। ना तो वहां पे कोई पेड़ पौधे थे, ना पशु पक्षी थे, वहां की धरती उबड़ खाबड़ थी। उबड़ खाबड़ यानी कि कहीं पर गड्ढे, कहीं पर प्लेन, ऐसा था। ठीक है, उबड़ खाबड़ यानी क्या होता है, कहीं पर गड्ढे, कहीं पर प्लेन। वीरान चांद को देखकर साक्षी आश्चर्यचकित हो गई। वीरान यानी जहां पर जीवन ही नहीं है। वीरान यानी क्या होता है, वीरान को टिक लगाइए, वीरान को टिक लगाइए। वीरान यानी क्या होता है, जहां पर जीवन नहीं होता। जीवन अर्थात ना तो कोई जीव, ना कोई जंतु, ना पेड़, ना पौधे, कुछ भी नहीं। सिर्फ वहां पे जमीन थी और जमीन पे क्या थे, गड्ढे थे। कहीं पर गड्ढे थे और कहीं पर प्लेन थी। वीरान चांद को देखकर साक्षी आश्चर्यचकित हो गई, है ना। इतने में उसे एक भारी आवाज सुनाई दी। कौन हो तुम,
किसको सुनाई दी? साक्षी को सुनाई दी कि कौन हो तुम? तब मैं चंद्रमा हूं, सॉरी। आवाज सुनकर साक्षी डर गई, कौन हो तुम? तब ये आवाज सुनकर साक्षी डर गई, फिर संभलते हुए बोली, मैं साक्षी हूँ, आप कौन हो? है ना, मैं चंद्रमा हूँ, मुझे देखकर सभी प्रसन्न होते हैं। प्रसन्न यानी क्या होता है? खुश होना। प्रसन्न यानी क्या होता है? खुश होना। मैं चंद्रमा हूँ, मुझे देखकर सभी प्रसन्न होते हैं, बच्चे मुझे चंदा मामा कहते हैं। आप भी चंदा मामा कहते हो? चंद्रमा को कहते हो ना चंदा मामा, है ना? बच्चे मुझे चंदा मामा पुकारते हैं। तुम धरती के कौन से भाग से आई हो? चंद्रमा जो है वो साक्षी से पूछते हैं कि तुम धरती के कौन से भाग से आई हो, क्या तुम मुझे अपने बारे में बता सकती हो? तो उसने कहा, साक्षी बोली, हाँ हाँ क्यों नहीं, मेरा संबंध भारत से। कहाँ से है? भारत से है। हमारी धरती बहुत ही सुंदर है, चारों तरफ हरियाली है, और कहीं ऊंचे ऊंचे पर्वत है तो कहीं बड़े बड़े समुद्र। देखिए अपनी धरती पर बहुत सारा पानी भी है, समुद्र भी है, पेड़ पौधे भी है। तो बताती है कि मेरा संबंध भारत से है, हमारी धरती बहुत ही सुंदर है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है, कहीं ऊंचे ऊंचे पर्वत है तो कहीं बड़े बड़े समुद्र है। टर्न द पेज, पेज पलटाइए बेटा। समुद्र, चंद्रमा बड़े गौर से साक्षी की बात सुन रहा था। जब आपको भी कोई बात इंटरेस्टिंग लगती है तो आप कितनी बात कितनी गौर से सुनते हैं, है ना? चंद्रमा बड़े गौर से साक्षी की बात सुन रहा था। तो क्या आप मुझे अपने बारे में कुछ बताएंगे? तब क्या बोलती है साक्षी? बोलती है, किससे बोलती है? चंद्रमा से बोलती है, क्या आप मुझे अपने बारे में कुछ बताएंगे? तब साक्षी ने पूछा, चंद्रमा बोला, मैं एक उपग्रह हूँ। क्या हूँ? मैं उपग्रह हूँ और पृथ्वी के चक्कर लगाता हूँ। मैं एक उपग्रह हूँ और पृथ्वी के चक्कर लगाता हूँ। मेरी दूरी पृथ्वी से लगभग 4 किलोमीटर है। कितनी है? 4 लाख किलोमीटर है। टिक लगाइए 4 लाख को, 4 लाख को टिक लगाइए। मेरी दूरी पृथ्वी से लगभग 4 लाख किलोमीटर है। जानती हूँ सबसे पहले मेरी धरती पर किसने कदम रखा था? कौन बोलता है? चंदा मामा बोलते हैं। किससे बोलते हैं? साक्षी से बोलते हैं। जानती हो मेरी धरती पर किसने सबसे पहले कदम रखा था? साक्षी ने कहा, नहीं। क्या कहा साक्षी ने? नहीं। चंद्रमा ने बताया, सबसे पहले मेरी धरती पर 21 जुलाई 1969 को अमेरिका के नील आर्मस्ट्रांग, एडविन ऑल्ड्रिन और कॉलिंग्स ने कदम रखा था। इसको टिक लगाइए। नील आर्मस्ट्रांग, एडविन ऑल्ड्रिन और कॉलिंग्स, ये आपका क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन बन सकता है आपका, है ना, कि चंद्रमा पर सबसे पहले किसने कदम रखा, तो आपको ये लिखना है। यहां से जब उन्होंने पृथ्वी को देखा तो वे खुशी से उछल पड़े। यहां से जब उन्होंने चंद्रमा से जब उन्होंने पृथ्वी को देखा था तो वे खुशी से उछल पड़े थे। साक्षी बोली, चंदा मामा, यहाँ आकर हर चीज हल्की क्यों हो जाती है? क्या बोली? क्या बोली? चंदा मामा, यहाँ हर चीज हल्की क्यों हो जाती है? पता है, अपन धरती पर अपन जैसे रहते हैं तो पानी की भरी बाल्टी भी उठाते तो अपने से तोकने की नहीं बनती है, वजन लगता है, क्योंकि धरती पर जो होता है गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। क्या कार्य करता है? गुरुत्वाकर्षण बल। जबकि चंद्रमा पर ये बल कार्य नहीं करता है, है ना? तो साक्षी बोली, चंदा मामा, यहाँ आकर हर चीज हल्की क्यों हो जाती है? तब चंद्रमा ने कहा, क्योंकि यहाँ गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत कम है, जिसके कारण हम किसी को एक हाथ से उठाना चाहे तो आसानी से उठा सकते हैं, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण शक्ति बहुत कम है, इसलिए अगर हम किसी भी चीज को एक हाथ से उठाना चाहे तो उठा सकते हैं। साक्षी को चंद्रमा की बात सुनकर बहुत अच्छा लगा, परंतु जब उसे घर की याद आने लगी, वह यान के पास आई, उसमें बैठ गई, एक जोर से गड़गड़ाहट हुई और साक्षी को झटका लगा। घबराहट में उसकी आंखें खुली, वह बिस्तर से उठी, अरे मैं तो सपना देख रही हूँ। तब तक माँ भी उसके पास आ गई। साक्षी ने कहा, साक्षी ने अपना सपना माँ को बताया। अपन भी कोई सपना देखते तो अपनी मम्मी को बताते ना सुबह उठ के कि मैंने आज सपने में ये देखा, है ना? उसी प्रकार से साक्षी ने अपना सपना अपनी मम्मी को बताया। तब तक माँ भी उसके पास आ गई। साक्षी ने अपना सपना माँ को बताया। माँ ने साक्षी को प्यार किया और कहा,
बेटी निसंदेह, निसंदेह मतलब तुम अवश्य जाओगी, तुम अपना सपना जरूर पूरा करोगी, है ना। निसंदेह ये तुम्हारा सपना था और मुझे विश्वास है यदि तुम इसी प्रकार मन लगा के पढ़ाई करती रही तो तुम्हारा चांद पर जाने का सपना अवश्य पूरा होगा। ओके, देखिए ये चैप्टर आपका फिनिश हो गया है। क्या आपको चैप्टर कंप्लीट समझ में आया? सबको समझ में आया? ओके, चलिए अपन अब बुक एक्टिविटी कर लेते हैं। चलिए पेज नंबर 72 निकालिए, बुक एक्टिविटी देख लेते अपन। आपका क्वेश्चन 72 पेज नंबर पे क्वेश्चन नंबर 2, सही उत्तर चुनकर निशान लगाइए। यही लिखा है बेटा, है ना। देखिए, साक्षी खिड़की में खड़े किसे निहार रही थी? बताइए किसे निहार रही थी खिड़की में खड़े? चांद को, है ना। चांद पे टिक लगा लीजिए। चंद्रमा किसके प्रकाश से चमकता है? सूर्य के। सूर्य पे टिक लगाइए। पृथ्वी से चांद की दूरी कितनी है? 4 लाख किलोमीटर। कितनी है? 4 लाख किलोमीटर। अब किसने कहा, किससे कहा? इसका पहला है, आज पूर्णमासी है इसलिए तुम्हें चांद गोल रुपल्ला दिखाई दे रहा है। किसने कहा? माँ ने कहा। लिखो सबसे नीचे जो लाइनें खींची हुई ना, क नंबर लिखा है उसमें लिखो माँ ने, लिखो माँ ने, और इधर वाले में लिखो साक्षी ने कहा। क वाले में आएगा माँ ने कहा और क वाले की इस साइड आएगा साक्षी ने कहा। पेज नंबर 72 पर ही है बेटा। चलिए अब ख वाला, मैं उपग्रह हूं और पृथ्वी के चक्कर लगाता हूं। किसने कहा? तो चंद्रमा ने कहा। लिखो चंद्रमा ने कहा। किससे कहा? तो साक्षी से कहा, चंद्रमा ने कहा, और इस साइड लिखो साक्षी से कहा। देखो ना कितना सुंदर है चांद, बिल्कुल गोल और चमकीला। ग नंबर का, तो इसमें लिखो साक्षी ने कहा, साक्षी ने कहा, और किससे कहा? तो माँ से कहा। चलिए पेज नंबर 73 देखिए, पेज नंबर 73 क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 73 क्वेश्चन नंबर 2, विलोम शब्द नीचे दिए शब्दों के विलोम शब्द पाठ में से ढूंढकर लिखिए, है ना। उसमें पहला है आपका बुरा, बुरे का क्या होगा? अच्छा। क्या होगा बुरे का? अच्छा। लिखो विलोम शब्द यानी उल्टे शब्द। क्या होता है विलोम शब्द यानी उल्टे शब्द, है ना। तो बुरे का क्या होगा? अच्छा। असफल का क्या होगा? सफल। क्या होगा असफल का? सफल। साधारण का क्या होगा? असाधारण। साधारण का असाधारण। अप्रसन्न का क्या होगा? प्रसन्न। अप्रसन्न का प्रसन्न। भारी का क्या होगा? हल्का। क्या होगा भारी का? हल्का। आकाश का क्या होगा? आकाश का धरती। लिखो धरती, लिखो आकाश का धरती। अंधकार का होगा प्रकाश। प्रकाश लिखना आएगा आपको? अंधकार का होगा प्रकाश। अविश्वास का होगा विश्वास। अविश्वास का क्या होगा बेटा? विश्वास। चलिए अब इसके नीचे वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इन विशेष शब्दों के लिए सही विशेषण चुनकर राइट का निशान लगाइए।
पहला वाला है शक्ति, सुंदर, गुरुत्वाकर्षण और कठिन, तो इसमें क्या आएगा? गुरुत्वाकर्षण। तीसरे नंबर पे लिखा है गुरुत्वाकर्षण, उसको टिक लगाइए, राइट का टिक लगाइए। देखिए इधर किस प्रकार से, जैसे इसमें राइट का टिक लगा रखे हैं, इस वाले क्वेश्चन में जैसे राइट का टिक लगा रखे थे, आपको राइट का टिक लगाना है। इसमें क्या आएगा? गुरुत्वाकर्षण पर राइट का टिक लगाइए। उसके बाद सेकेंड नंबर है पोशाक विशेष कठोर और ऊंचा, उसमें आप पोशाक को टिक लगाइए, है ना। फिर चांदनी, दयालु, विनम्र और दुधिया, तो आप इसमें दुधिया पर टिक लगाइए। फिर पर्वत ऊंचे, अति और तेज, इसमें आप पर्वत पर टिक लगाइए। फिर चांद गहरी रंगीन और गोल, इसमें आप गोल पर टिक लगाइए। इसको पीडीएफ करके भेज देंगे। एक काम कीजिए, आप बुक एक्टिविटी रहने दीजिए, जिसको समझ में आ रहा है जिसने लिख लिया है कोई बात नहीं, और नहीं लिखा है तो अभी हम सेंड कर देंगे तो आप चेक कर लेना। ओके ठीक है। क्या किसी को चैप्टर में कुछ कंफ्यूजन है? बुक एक्टिविटी के अलावा है क्या प्रॉब्लम है? सबको चैप्टर समझ में आया बेटा? साइड में थम्स अप फास्ट अगर समझ में आ गया हो तो। ओके आपका आज का होमवर्क है, आपको ये जो चैप्टर अपन ने समझा ना आज, इसको वापस से रीड करना है, ठीक है ना, वापस से रीड करना है। ओके गुड बाय।